हेलो हाय नमस्ते, मैं रतन। आज आप लोग में बैटरी की अंदर में क्या है, क्या क्या यूज़ होता है, कैसा इसमें क्या लगा है, उसके बारे में ही आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों बैटरी में आगे बता देता हूँ, इसका आविष्कार तो 1800 में आविष्कार हो गया था, लेकिन लैंड एसिड बैटरी का 1859 में आविष्कार हुआ था। तो उसका नाम शायद फ्रांसीसी कैस्ट प्लैनेट ने किया था इसको आविष्कार बैटरी का। सो 1800 में हो गया था, लेकिन लैंड एसिड बैटरी का किया गया, और इसमें लिथियम रहता। दोस्तों जानते हैं इसको लिथियम बैटरी बोलते हैं क्योंकि इसमें लिथियम रहता है। तो लिथियम तो रहता है, चलिए इसको अंदर में लिथियम तो रहता है आप लोग जान रहे, लेकिन ये बैटरी किस तरह का और कैसा काम करता है तो मैं शुरू से ऊपर से पोर्शन से बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जो ये रहता है दोस्तों, ये सपोर्टर रहता है इसका, एक बार देख लीजिए अच्छा से, ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये इसका सपोर्टर रहता है। चार्जिंग मतलब ज्यादा मतलब कुछ टाइम तक सपोर्ट करता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये करते रहेगा, जिसका इसका भी समय सीमा रहता है कुछ देर तक। जैसे फुल कर दिया तो ये ऑटोमेटिक कट आउट कर देता है, कुछ इसका समय सीमा रहता है। उस टाइम तक तो भी इसको नहीं निकाले तो बैटरी फुल जाता है। मोबाइल में भी कट आउट का लगा रहता है, 5 वोल्ट ओवर होगा फुल होगा तो उसके बाद मोबाइल से ऑटोमेटिक कट हो जाता है। लेकिन क्या क्या होता है, कभी कभी कुछ ज्यादा टाइम तक बैटरी चार्ज करने से मोबाइल से ना, तो दोनों का समय सीमा पार हो जाता है, इसका भी समय सीमा उसका भी, इसके कारण में बैटरी फूलना चालू हो जाता है। तो बैटरी कैसे फूलता है, ज्यादा टाइम तक चार्ज ना करे दोस्तों। आप बैटरी को जब तक डिस्चार्ज नहीं करे तो चार्ज ना करे, आपका शुरू चार्ज करे 100% तो उसको आप लोग 50% या 40% उसमें रहना चाहिए चार्ज, उतना तक चले जाए। 60% 70% आप उसको बैटरी को खत्म कर ही लीजिए, नहीं तो 70 आपके 100% इसमें 90% है बैटरी, फिर चार्जिंग करे फिर 90 रख रहे फिर 100 चार्ज करे, वैसा मत कीजिए क्योंकि बैटरी वैसे में खराब होता है। थोड़ा इसको आप पूरा डाउन कर लीजिए कुछ ज्यादा तक, जैसे 10% 20% बचा रहना चाहिए, फिर उसके बाद चार्ज कीजिए, फिर 10% 50% बचा रहे फिर चार्जिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका 2% 5% कम हो रहा फिर आप मोबाइल चार्जिंग लगा रहे, तो उसी कारण मोबाइल बैटरी खराब होता है अधिकतर तार मोबाइल बैटरी। और आप डायरेक्ट चार्जिंग करते हैं किसी चीज तो उसका भी समय सीमा आप बना लीजिए, ज्यादा देर तक चार्जिंग करने से बैटरी खराब हो सकता है ज्यादा देर तक, जब तक आप इसको डिस्चार्ज नहीं करें चार्ज करें तो खराब होता है। ये आपका ये प्रोटेक्ट करता है आपका, सब में किसी में बड़ा लगता है किसी में छोटा लगता है, लेकिन ये प्रोडक्ट आईसी यही आपका जो है, यही आपका प्रोडक्ट करता है आपका जो बैटरी का, जैसे फुल चार्ज है तो यहाँ से कट आउट कर देता है, यही आपका जो ये दिख रहा आईसी है। किसी किसी में मॉसफेट लगा रहता है, मोबाइल में मॉसफेट लगा रहता है, फेट लगता है मॉसफेट, सब लोग कुछ कुछ अलग अलग बोलते हैं, लेकिन वो मॉसफेट है, फेट ही मानो उसको, क्योंकि फेट का रूप ही मॉसफेट है। जंक्शन इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी उसी का रूप है, जो भी है फेट ही है, फेट बोलो या मॉसफेट बोलो आप लोग, जो दोनों कुछ भी बोलो, क्योंकि फेट को भी चेक वैसी करते हैं, मॉसफेट को भी चेक वैसी करते हैं, थोड़ा सा डिटेल हल्का सा अलग है, लेकिन चेक को दोनों को सेम ही करते हैं, एक ही ट्रांजिस्टर रहता है या जीना डाउट रहता है। तो इसका बात हो गया, तो हम लोग इसको खोल के दिखाने वाला था, तो मैं इसको हटा दूं दोस्तों। इसको सावधानी से करेंगे, आप लोग ध्यान देना बहुत ज्यादा सावधानी से, इसको जब करेंगे तो उसको डिस्चार्ज कर लेना है ऐसे। मैं इसको पूरा डिस्चार्ज कर लिया इसको, क्योंकि मेरे को खोलना है बोल के। ये बैटरी सब लिथियम का रहता है ये बैटरी, और आपको जो डिस्पोजल बैटरी रहता है, डिस्पोजल बैटरी खोलने में बहुत आसानी होता है, मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं दिखा रहता, तो मैं उसी को दिखाता क्योंकि वो खोलने में बहुत आसानी होता है और जल्दी खुलता है और जल्दी खराब भी होता है। खराब मतलब एक बार आप लोग उसको ऐसा अगर चिमटी को मार दिए ना, वो अंदर चलता घुस जाता है, फिर जलने वलने धुआं फेंकना चालू हो जाएगा, यहाँ पर आग जल जाएगा, पूरा आग जल जाएगा, क्योंकि लिथियम रहता है वो जल्दी से आग हवा पकड़ने से जल जाता है, इसीलिए इसको पूरा हवा कहीं से ना जाए बोल के नहीं करते, थोड़ा डेंजर है दोस्तों, इसको थोड़ा संभाल के बोलना, मैं शुरू से बता रहा हूँ। इसको डिस्चार्ज कर लेना, शुरू डिस्चार्ज में कर चुका था, हवा में आग जल जाता है इसीलिए थोड़ा अलग अलग रखना, मैं कई बार जलाया हूँ मतलब खोला हूँ तो जल ही जाता है, इसको थोड़ा सावधानी से खोलना जितना भी खोल सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा इसको फॉरवर्ड कर करके देखता हूँ, कट नहीं रहा है, लेकिन ये वाल बैटरी जल्दी कट जाती है, तो दिक्कत जा रहा लग रहा है, लेकिन खोल के दिखाना है आप लोगों को मेरे को।
चलो दोस्तों, उसको मैं थोड़ा खोल लेता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, मैं खोल के लाता हूँ। देख लीजिए इसको, मैं खोल लिया हूँ, थोड़ा ज़्यादा मुसीबत लगा ये वाला। लेकिन डिस्पोजल वाला बैटरी खोलने में एक भी मुसीबत नहीं, सेम रहता है वो भी, क्योंकि वो डिस्पोजल रहता है, ये थोड़ा स्टील का रहता है। अभी जितने बैटरी आ रहे हैं सब डिस्पोजल रहते हैं, मतलब वो काटने से भी कट जाते हैं। लेकिन ये इतना लोग हार्ड था ना, निकली नहीं रहता, बहुत मुश्किल से कटा है मेरे से। आप लोग इसको घर में यूज ना करें, मैं बोल सकता हूँ। मैं आपको खाली बताता हूँ कि लिथियम का रहता है क्या है, अंदर में कैसा रहता है, खाली मैं इतना ही बता सकता हूँ, आप लोग देख लीजिए। मेरे को बारे में तो पता नहीं, जितना पता था मैं बता दिया। देखिए निकल गया ये डब्बा निकल गया ये, ओके देख लीजिए, देख लीजिए यही है, यही है बैटरी। बस केमिकल का ही फर्क रहता है दोस्तों, जो बैटरी रहता है ये है, इसको सावधानी से निकालना। हवा पड़ने से जल जाता है दोस्तों, क्योंकि जब शॉर्ट होता है जल जाता है। केमिकल में ये सूख गया है, इसके कारण ये ठीक है। अभी सब चीज को हटा देता हूँ मैं, पढ़िए ये ऊपर का परत कॉपर वाला है दोस्तों, कॉपर वाला प्लस रहता है, जो एल्युमिनियम रहता है वो माइनस रहता है, बस इसका वही रहता है। देख लीजिए प्यार से खोल लेते हैं इसको, कपड़ा रख लेता हूँ। केमिकल सूख गया इसीलिए बैटरी ये खराब हो गया दोस्तों, केमिकल रहता तो बैटरी रहता जिंदा, केमिकल खत्म होने के कारण ये बैटरी खराब हो गया। इसको ये निकाल लेते हैं, ये हो गया, ये देख लीजिए कार्बन रहता है दोस्तों बीच में, ये हो गया, एक कार्बन हो गया, ये देखिए कॉपर का प्लेट है ये, हाँ, उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद ये प्लास्टिक, फिर ये एल्युमिनियम का परत। एक बार और देख लीजिए, ये प्लास्टिक हो गया आपका, ये आपका हो गया कॉपर का प्लेट है, इसके बाद कार्बन, इसके बाद पन्नी डाला था, इसके बाद ये एल्युमिनियम का रहता है, ये एल्युमिनियम माइनस बनाता है, फिर सेम टू सेम सब वैसी है। ये लिक्विड सूख गया दोस्तों, देख सकते हैं लिक्विड। आपने कभी आप शायद वो बैटरी खोलना जो डिस्पोजल बैटरी रहता है ना, इसको मैं पूरा खोलूंगा, सेम सब वही निकलेगा और कुछ नहीं है। देखिए ये पूरा इतना ही रहता है और कुछ नहीं रहता है, बस यही रहेगा बैटरी के अंदर जो रहता है। मैं दिखा दिया आप लोगों को, ये कॉपर का, आप लोग इसको, ये तो बैटरी पूरा खराब हो गया बोल के कुछ आग नहीं लगा दोस्तों, आप लोग इसको निकालेंगे, ये ऐसा एक बार शॉर्ट होता है पूरा आग जल जाता है किसी, या चिमटी किसी से आप सुने होंगे कहीं से, एक बार ऐसा चिमटी मरा गया डिस्पोजल में तुरंत छेद हो जाता है, क्योंकि वो पतला टाइप रहता है, तुरंत छेद होने के कारण ये कॉपर का प्लेट और ये प्लेट, कॉपर तो बहुत मुलायम रहता है, देख लीजिए ये देखिए छेद हो गया, कॉपर बहुत मुलायम होने के कारण एक बार छेद होता है तो डायरेक्ट इसमें टच हो जाता है, उसके कारण जिसमें केमिकल रहता है केमिकल चार्ज होता है, चार्ज होने के कारण ये पूरा मतलब चार्ज होता है, शॉर्ट होता है बैटरी को। आप लोग एक साथ शॉर्ट करेंगे तो आपको पता है कैसा ये रिएक्ट करता है, वैसे ही रिएक्ट करने के कारण फिर धुआं फेंकता जलता है पूरा, ये बैटरी जल जाता है। फूटने का कारण भी यही होता है, बैटरी ज्यादा चार्ज करने से ये अपना फूलने लगता है, ज्यादा चार्ज करेंगे तो ये बैटरी फूलेगा, ये फूलते जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाता है, जुटने के बाद ये इतना हैवी रहता है ना, बाहर नहीं निकल पाता, उसके कारण ये फूट जाता है, बैटरी फूटने के कारण यही रहता है। इसलिए अभी लिथियम का बैटरी बताए गए हैं जिसमें जल्दी से फूलेगा तो डायरेक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, वो ज्यादा जोर से फूट नहीं पाता, इसलिए अभी लिथियम का बैटरी ज्यादा, लिथियम के बैटरी में जल्दी, सब लिथियम के बैटरी रहते हैं लेकिन वो डिस्पोजल बैटरी ना ज्यादा विस्फोट होता है तो कम ज्यादा होता है, लेकिन ये सब बैटरी में आप समझ सकते हैं बॉम्ब को एक ज्यादा से ज्यादा जगह में आप मतलब बंद करके रखो तो वो ज्यादा जोर से फंसता है, और खुला में रखोगे तो थोड़ा कम फूटता है। आप दिवाली के टाइम आप जान सकते हैं कैसा होता है, लेकिन यही वही है डिस्पोजर, इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जल्दी से फूटे लेकिन धीरे फूटे, लेकिन फूटना रहता तो फूटेगा ही फूटेगा, वो तो कोई रोक नहीं सकता है, ज्यादा डिस्चार्ज होगा चार्ज रहेगा, आप चार्ज करते जाएंगे उसको, और चार्ज करें फोन से बात कर रहे हैं तो कभी भूल से भी चार्ज लगाए लेकिन फोन से बात ना करें, कुछ नेट ना चला, चार्जिंग करते समय ओनली चार्जिंग करें, फूटने का कारण वही रहता है। एसी का भी कभी थोड़ा थोड़ा पास होता है और इधर का सिग्नल, आप ऊपर से सिग्नल जो आता है उसके कारण, जो उसका मिक्स होता है ना, उसके कारण मोबाइल फटता है, तो कभी भी चार्ज लगाएंगे तो नेट ना चलाए ना किसी से बात करे, चार्ज को निकाल के ही बात करे। बैटरी के अंदर क्या है आप लोगों को पूरा पता चल गया, और कैसे कब किससे बना है इसको भी आपको पता चल गया, तो और इसके बारे में जानकारी हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, या मैं ब्लॉग में भी पोस्ट कर दूंगा इसके बारे में। कुछ दिन बाद अभी ब्लॉग में नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा तबीयत अच्छा लगे तो ब्लॉग में भी इसके बारे में लिख दूंगा। तो चैनल में नए नए सदस्य आएंगे तो प्लीज़
जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर टाइप का वीडियो बनाता हूँ, अनबॉक्सिंग से लेके रिव्यू से लेके आपका मोबाइल के बारे में, टीवी एलईडी और टीवी बचा है उसके बारे में कुछ दिन बाद बताऊँ, क्योंकि थोड़ा मैं भी थोड़ा कच्चा हूँ उसमें, इसलिए कच्चा हूँ, पकने दो मेरे को, पक जाऊंगा तो उस बारे में आपको उसको और डिटेल बताना चालू कर दूंगा। तो वीडियो में कुछ कमी लगा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट में इसके बारे में कुछ मेरे कमी लगा होगा कोई मेरे को बोलेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो मेरे को जितना पता था उतना मैं बता दिया। तो वीडियो में कैसा लगा होगा लाइक नीचे लाइक कमेंट और जो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, ग्रीन जरूर कीजिए उसको, ग्रीन लाइक करते तो अच्छा लगता है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अनमोल टाइम को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।